मेंशन कर दें, एवरीथिंग इज ओके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार कंफर्मेशन कर दें। सब लोग का यहां पर स्वागत है आरआरबी एएलपी क्लास के अंदर। ओके, तो आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, एनालॉजी टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहां पर ऐप पे मैंने काफी सारे आपको क्वेश्चंस कराए थे, आज अपन यहां पे क्वेश्चंस करेंगे। आवाज आ रही है प्रॉपर? तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मुझे मालूम चल जाए कि आप लोग कितने रेडी हैं इस सीरीज को करने के लिए। तो आज जो अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं एनालॉजी के और आरआरबी के अंदर, एएलपी के अंदर जो अपने बैचेज चल रहे हैं यहाँ पर, गतिमान बैच, एएलपी के न्यू बैचेज अपने स्टार्ट हो रहे हैं सीबीटी 2 के लिए, गतिमान बैच सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। जो स्टूडेंट्स दोनों करना चाहते हैं सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, उनके लिए भी दोनों का कंबाइंड है, और केवल केवल सीबीटी 2 भी करना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल है, राजधानी बैच भी अवेलेबल है, और सेल एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर अपने कंप्लीट क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज जो अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एनालॉजी के क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, जल्दी जल्दी आंसर बताते हुए चले। गुड आफ्टरनून, फायर करना है जल्दी जल्दी। यहां पर आपको बताना है, यहां पे जो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, यहां पर 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। टाइम नाउ स्टार्ट फॉर यू। माउथ का रिलेशन एक्सप्रेशन से है, तो म्यूजिक का रिलेशन किससे होगा? जल्दी आंसर देते चले सब लोग। मुख का रिलेशन अभिव्यक्ति से है, तो संगीत का रिलेशन किससे होगा? टेल मी, जल्दी जल्दी बताएं। आवाज आ गई अमित पाल शर्मा जी, वाओ, गुड आफ्टरनून। टाइम ओवर, टाइम ओवर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चेक करते हैं। डी, काफी सारे स्टूडेंट्स ने डी आंसर दिया, मुख से एक्सप्रेशंस निकलते हैं, तो संगीत से क्या निकलेगी बेटा? टोन निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, धुन निकलेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, डी। सौरव यादव शर्मा जी, विशाल, जॉन इब्राहिम, इन सबका सही है, बाकी सबका गलत। वर्ड एनालॉजी है, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में है, मुख का संबंध अभिव्यक्ति से, उसी प्रकार म्यूजिक का संबंध किससे होगा? लैंग्वेज में भी दे सकता है और वैसे भी दे। अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन, प्लेटोनोलॉजी जीवाश्म विज्ञान का संबंध फोजिल से है, फोजिल से, क्लियर? तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? कपाल विज्ञान का। जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है, तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? टेल मी। डी, डी को लॉक कर दें। गुड आफ्टरनून, सब लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं, अपने दोस्तों को भी बुला लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे सभी को मालूम चल जाए। एएलपी के लिए, यस, गुड, टाइम ओवर। अब रिलेशंस क्या, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान में किसकी स्टडी होती है बेटा? जीवाश्म की, जीवाश्म। किस ब्रांच में किसकी स्टडी होती? तो फ्रेनोलॉजी कपाल विज्ञान में किसकी होगी? थायराइड की, रॉन्ग। अग्नाशय की, गलत। लंग्स की, गलत। स्कूल, खोपड़ी। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? डी, डी। गुड, स्कूल, सबका आंसर सही जा रहा है। सौरभ यादव, नेक्स्ट क्वेश्चंस। टेलीविजन का रिलेशन टेलीकास्ट से है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। टेलीविजन का रिलेशन टेलीकास्ट से है, टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट से है। गुड, खोपड़ी, ए, भुवनेश्वर अब्राहम, ए आंसर। तो रेडियो का संबंध किससे होगा? रेडियो का संबंध, कुछ स्टूडेंट्स ए दे रहे हैं। बेहतरीन जब होगा जब क्वेश्चन की नंबरिंग के साथ आंसर देंगे, क्वेश्चंस की नंबरिंग के साथ आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। गुड,
गुड। या अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, टेलीविजन का क्या होता बेटा, टेलीकास्ट। टेलीकास्ट रेडियो का संबंध किससे होगा, टेलीविजन का क्या होता है, टेलीकास्ट। तो रेडियो का संबंध क्या होगा, ब्रॉडकास्ट, जिसे प्रसारण बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। जहां वीडियो होता है वहां टेलीकास्ट किया जाता है, जहां केवल ऑडियो होता है वहां ब्रॉडकास्ट किया जाता है। शंकर बारा समाचार नहीं आएगा, टेलीविजन, टेलीकास्ट, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, ओनली साउंड आता है और साउंड को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप लोगों के डीआरडीओ के सभी के एग्जाम्स अच्छे हुए थे। अब जिन लोगों ने डीआरडीओ की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की या ढंग से तैयारी नहीं की, जो अभी इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है, उनके लिए एएलपी की वैकेंसी आने वाली है और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एएलपी के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैच अपन यहाँ पे चला रहे हैं। राजधानी बैच, क्लियर। गतिमान बैच, क्लियर। अलग अलग वेराइटीज के बैच है, तो आप इन्फोटेड ऐप करें और अपनी प्रिपरेशन पे लग जाए। ओके सर, आप क्लास का में बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, हमें पहली बार मिला है। ओके थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का संबंध एक्सपोर्ट से है, तो पहले वाला पार्ट गायब है, तो एक्सपेंस का संबंध किससे हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। रिलेशंस को पहचानो यहां पर। एएलपी की वैकेंसी कब तक, बड़े जल्दी आने वाली है, वो वाला सिचुएशंस ना हो डीआरडीओ की तरह। बच्चे शुरू में वेट करते रह गए सर डीआरडीओ की वैकेंसी, और वैकेंसी आई, एग्जाम भी होगा, निकल गया और उनको तैयारी का मौका ना मिला। तो राइट टाइम पे प्रिपरेशंस करो बेटा, वैकेंसीज आती जाएंगी, अपन को अपनी तरफ से रेडी रहना है, अपन को अपनी तरफ से रेडी रहना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब अपोजिट का रिलेशन, एक्सपेंस इनकम, इनकम आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। तो यहां पे जो लॉजिक है अपोजिट का लॉजिक है, अपोजिट का, अपोजिट का, अपोजिट लॉजिक, अपोजिट, विपरीत करनी है, विपरीत करनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स का रिलेशन वर्ड से है, वर्ड से, अल्फाबेट्स वर्ड, क्लियर। अब यहां पर रिलेशंस क्या है, इस रिलेशंस को अपन को पहचानना है, बताओ क्या आंसर आएगा। टाइम की अपन बात कर रहे हैं, सब लोग फायर करें, बड़ी जल्दी आंसर चाहिए, प्लीज सर। टाइम नाउ स्टार्ट फॉर यू, टाइम नाउ स्टार्ट फॉर यू। वर्ब फिफ्थ का भी, शुभम विश्वास फिजिक्स का क्लास सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे, 10 बजे चालू होता है। नरेश पुलटी बी, तो बी का दे फिफ्थ का। अब देखो यहां पे वर्णमाला, टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, क्लियर। तो यहां पे जो आंसर क्या होगा, वर्णमाला के समूह को, अल्फाबेट्स के कलेक्शंस को, अल्फाबेट्स के कलेक्शंस से क्या बनता है, वर्ड्स। सेंटेंस किसके कलेक्शन से बनेगा बेटा, वर्ड्स, और वर्ड्स का मतलब बी, बी। आपको सबसे पहले यहां पहचाना कौन सी चीज स्किप है, फर्स्ट वाला पार्ट स्किप है या सेकंड वाला पार्ट स्किप है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रो, बर्ड। क्रो का रिलेशन बर्ड से है, तो स्पाइडर का रिलेशन किससे होगा, स्पाइडर। शर्मा जी जो साइंस का क्लास है वो ऐप के ऊपर चल रहा है, 10 to 11 सारी क्लासेस चल रही है, मैथ चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, जीके चल रहा है, सुबह करंट अफेयर चल रही है और आपकी टेक्निकल क्लासेस भी चल रही है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है, उनकी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है। टाइम ओवर,
टाइम होगा। क्लियर। यदि अपन यहां पे बात कर रहे हैं, क्लियर क्लियर। क्रो बर्ड, बर्ड एक क्लास जाति है, कौवा एक पक्षी जाति का मेंबर है, स्पाइडर मकड़ी, मकड़ी क्या होगा इंसेक्ट में आएगी। मकड़ी कौन सी कैटेगरी में आएगी बेटा, इंसेक्ट कैटेगरी में। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का रिलेशन टाइफाइड से है, बैक्टीरिया का रिलेशन किससे बेटा, टाइफाइड से है, टाइफाइड। क्लियर। तो उसी तरीके से सेकंड वाली किसी बीमारी का नाम वो किससे होता है उसकी बात की जा रही है। बताइए जीवाणु का संबंध मोती जरा, मलेरिया किससे होगा, मलेरिया। गुड गुड, सेवंथ का डी लॉक कर दें, सेवंथ को, सेवंथ को लॉक कर दिया जाए, डी। गुड गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर आ रहा है, मॉस्किटो, बिल्कुल सही आंसर, मॉस्किटो। जो टाइफाइड होता है मोती जरा जीवाणु से फैलता है, और मलेरिया है वो मच्छर के काटने से फैलता है, और मच्छर कौन सा, मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, यहां पर मच्छर के काटने से होता है, ना कि वायरस ना कि मक्खी, मच्छर के काटने। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो पेन, विंडो का रिलेशन किससे बेटा, पेन से, विंडो का रिलेशन किससे बेटा, पेन, फलक, खिड़की में फलक होती है, तो किताब में क्या होंगी, तिलकराज, मन्नू, डी, राजपूत सिंह शर्मा। बुक का रिलेशन क्या होगा, जैसे खिड़की में, खिड़की में फलक होती है, किताब में क्या होंगे, उपन्यास गलत, कवर गलत, ग्लास गलत, यहां पे आएगा पेज, इनसाइड की बात हो रही, बी इज द राइट आंसर, बी। सबका सही जा रहा है, अंकित का भी सही है, विशाल, लालू प्रसाद यादव का भी सही है, विशाल। सब वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, सबको मालूम चल जाए यहां पर एएलपी की बेहतरीन प्रिपरेशन चल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रिसेप्शनिस्ट का रिलेशन, रिसेप्शनिस्ट का संबंध किससे बेटा, ऑफिस से है, होस्टेस का संबंध किससे होगा, होस्टेस का संबंध किससे होगा। अंकित आज वाली क्लास, ट्यूसडे वाली क्लास ऐप पे नहीं होगी, ट्यूसडे की क्लास मेरी ओनली यूट्यूब पे होगी, यूट्यूब पर, ऐप पर आपको प्रॉपर पढ़ाया गया, समझाया गया, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यूट्यूब पे कर रहा हूं। कैसी चल रही है अंकित आपकी क्लास ऐप के ऊपर, टाइम ओवर। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया, दो लोग बोल रहे बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आंसर तो एक ही होगा, या तो बी या सी। अब देखो रिसेप्शनिस्ट की बात कर रहे हैं, स्वागती, ये कहां होगी, कार्यालय में, ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट होती है। होस्टेस कहां होगी, हवाई जहाज, हवाई अड्डे पे नहीं होती, एरोप्लेन के अंदर होती है, जो आपका स्वागत किया जाता है, सत्कार होता, जिसे होस्टेस बोलते हैं, हवाई अड्डे पे नहीं, हवाई जहाज के अंदर, एरोप्लेन के अंदर। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, सी यदि आपने बोला है तो गलत बोला है दोस्तों, गलत बोला है। हवाई अड्डे पे होस्टेस नहीं होती, एरोप्लेन के अंदर होस्टेस होती। चले अगले क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कार का संबंध पेट्रोल से है, कार का संबंध किससे बेटा, पेट्रोल से, क्या है रिलेशन है उसको भी पहचानना, आपको पहचानना है कार का संबंध किससे बेटा, पेट्रोल से। तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा,
टेलीविजन का संबंध किससे होगा बताइए? फ्यूल, कार का संबंध किससे बेटा? पेट्रोल से। तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? सॉरी, कार का संबंध पेट्रोल से है, तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? कार का संबंध किससे बेटा? पेट्रोल से। फ्यूल, फ्यूल। अब देखो टेलीविजन किससे चलेगा, जल्दी बोलो। कार पेट्रोल से चलती है, रॉ मटेरियल, तो टेलीविजन धारा से चलेगा, करंट से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। अब वो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, करंट कोई सी भी हो, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ई। ट्रांसमिशन नहीं, मनोरंजन नहीं, एंटीना से नहीं चलेगी, उसे सप्लाई मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? गुड। अजय भैया, सर मैथ की क्लास नहीं होती क्या? अजय होती है ना, मैथ की क्लास भी डेली होती है 526 ऐप के ऊपर। ओके, यूट्यूब पे केवल वेडनेसडे को होती है। अजय भैया मैथ की क्लास भी चलती है यूट्यूब पर, कब? वेडनेसडे को, ट्यूजडे को रीजनिंग की क्लास। यस, सर्कल में सर्कमफेरेंस, तो स्क्वायर में क्या होगा? सर्कल में क्या होता है? सर्कमफेरेंस। सर्कल जिसमें आर्क होता है, क्या होता है बेटा? तो स्क्वायर में क्या होगा? गुड। अभी टेक्निकल मास्टर एएलपी से आईटीआई हटा दिया क्या? इसमें क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है अभी, ऐसा कुछ फाइनल कंक्लूजन मेरी नॉलेज तक नहीं है अपडेट। बीच में आया तो था ऐसा कुछ, है ना? टाइम ओवर, टाइम क्लियर। अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए, सर्कल की जो बाहर की बाउंड्री है, डेट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, परिधि, जहां आर्क होगा, घुमाव होगा, परिधि के लिए। वर्ग, वर्ग की बाउंड्री को क्या बोलेंगे? परिमा, या परिमिति भी बोल सकते हैं, परिमिति, पेरीमीटर, 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 परिधि। इसका आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चंस की अपन बात करें यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई, आई का मतलब क्यूवियर, आई का मतलब क्यूवियर, आई का मतलब क्यूवियर। आंख झपकना, सर फीटर छोड़ से थ्योरी के लिए क्लास चल रही है, समिता गुप्ता, फीटर के लिए क्लासेस चल रही हैं बेटा। ऐप पे सारे लाइव थ्योरी होता है, होता है बेटा, लाइव क्लासेस भी चल रही है, थ्योरी की थ्योरी क्लासेस चल रही हैं ऐप के ऊपर। 30 सेकंड्स का मैंने टाइम दिया आपको, गुड। क्या आंसर होगा? आंख, आंख क्या होती है बेटा? झपकती है। तो हार्ट क्या होगा? हृदय क्या होगा? दिल क्या होगा तुम्हारा? धड़केगा, घूमेगा नहीं, चलेगा नहीं, खेलेगा नहीं, थरथराएगा नहीं, थ्रोप, धड़कना। तो सही वर्ड से यहां पर बी, बी। सर मेरा दिल तो चल रहा है, चल तो रहा है भाई, यहां धड़कना,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, मरुदान, मरुदान क्लियर, मरुदान संबंध किससे, सैंड से, आइसलैंड का संबंध किससे होगा, आइसलैंड का संबंध, वेल्डर क्लास भी चाहिए, धनंजय है, किसी को कोई भी बैच चाहिए मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 7597852000, व्हाट्सएप कर सकते हैं एएलपी कोर्स ज्वाइन करने के लिए, कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो कॉल मी ऑन दिस नंबर, मैसेज करें, टाइम ओवर है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर की अपन बात करें, मरुदान डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के चारों तरफ जहां मिट्टी हो चारों तरफ, और बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा, डेजर्ट्स। आइसलैंड कौन कहलाएगा, जमीन का टुकड़ा आइसलैंड, इसके चारों तरफ क्या होगा, पानी, पानी, सी सी, दैट इज कॉल्ड आइसलैंड। ये कोई लैंड का टुकड़ा है और चारों तरफ पानी हो, चारों तरफ पानी हो, दैट इज कॉल्ड आइसलैंड, आइसलैंड। सराउंडिंग एरिया की बात की जा रही है, चारों तरफ की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर विल बी क्या होगा, सी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था, बट अब आपको लॉजिक मालूम चला कि सही आंसर क्या है। 14 क्वेश्चन नंबर 13 तो क्लियर हुआ, तो यहां तक किसी को डाउट है तो आस्क मी, नो, आगे चले, आगे मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपको करने, जस्ट ए मिनट्स। अगला क्वेश्चन, कीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ डेजर्ट वाला हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस काफी बेहतरीन क्वेश्चन, टेल मी, टाइम नाउ स्टार्ट फॉर यू, फायर फायर, जल्दी जल्दी करें, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, सावधानी। काफी सारे स्टूडेंट ने दीपांकर ने खरीद रखा है, हाँ बेटा चैप्टर वाइज चैप्टर थ्योरी का क्लासेस भी होता है और साथ में प्रैक्टिस भी चलती है, बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर, सारे चैप्टर आपको कराए जाएंगे, वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, टाइम ओवर। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसके आंसर की अपन बात करें, सावधानी, नजरअंदाज। तो जो यहाँ रिलेशन है बेटा अपोजिट का रिलेशन है, विपरीत का, शांति अशांति, अशांति कब होगी, जब युद्ध होगा, जब युद्ध होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा वार। क्या 14 का आंसर आपने ए दिया, सबका गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। लगने में आपको आसान लग रहा था कि मेरा सही होगा, बट गलत है शुभांकर बेटा, फर्स्ट पेपर तो सीबीटी 1 तो सबका सेम है, किसी भी ट्रेड का हो, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टॉर्चर, ये सब ब्रांचेज की कोर्सेज चल रहे हैं, क्लियर, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ब्रांच है तो मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको बता दूंगा कि आपका रिलेटेड है या नहीं। अगला क्वेश्चन, कफ, कफ का रिलेशन काउ से है, कफ का रिलेशन काउ से है, तो पपी का रिलेशन किससे होगा, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, टेल मी 15 का आंसर क्या होगा। यहां चाइल्ड और एडल्ट का लॉजिक है, चाइल्ड और एडल्ट का लॉजिक है, चाइल्ड और एडल्ट के लॉजिक की बात कर, टाइम ओवर, टाइम, कफ, कफ की बात कर रहे हैं, क्लियर, चाइल्ड किसका चाइल्ड, काउ के बच्चे, पपी पिल्ला किसका पिल्ला, कुत्ता, डॉग, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, डॉग, तो इसका राइट आंसर विल बी ए।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी आंसर, टेल मी व्हाट विल बी आंसर, फायर करें जल्दी जल्दी, सुमित कंबाले, बैंक, पैसा, बैंक का रिलेशन पैसा से है, तो ट्रांसपोर्ट का रिलेशन किससे होगा, ट्रांसपोर्ट से, टाइम ओवर, बिल्कुल सही आंसर डी, 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 गुड्स, बैंक में पैसा होता है तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, गुड्स होगा, माल होगा, माल, 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 ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, माल होगा, ओके okay? 17. वीडियो का रिलेशन कैसेट से है, वीडियो का रिलेशन किससे है, कैसेट से है, कंप्यूटर का रिलेशन किससे होगा, वीडियो का रिलेशन कैसेट से है तो कंप्यूटर का रिलेशन किससे होगा, तो वीडियो में क्या डालती है दोस्त, यहां पे अपन बात करें कैसेट स्टोरेज करने के लिए, तो कंप्यूटर में क्या होती है जो कुछ चीज स्टोर करे, दैट्स कॉल्ड फ्लॉपी, 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 तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, फ्लॉपी, फ्लॉपी, बी आंसर, गॉट इट, यस नो, नेक्स्ट क्वेश्चंस, बुक, लाइब्रेरी, बुक क्या होंगी बेटा, लाइब्रेरी, बुक में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर क्या रखी होती है, बुक्स रखी होती है, तो फाइल के अंदर क्या होगा, फाइल के अंदर, तारा सागर गुड, विकास विनायक सुमा, 18 का भी लॉक कर दें सबका, अंकित क्या रिलेशन आएगा बेटा, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखी होती है तो फाइल के अंदर क्या होंगे, डेटा होगा, क्या होगा बेटा, डेटा, डेटा, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 19, कंट्री का रिलेशन प्रेसिडेंट से है, कंट्री का रिलेशन किससे है, प्रेसिडेंट से, तो स्टेट का रिलेशन किससे होगा, कंट्री का रिलेशन किससे है, प्रेसिडेंट से, तो स्टेट का रिलेशन किससे होगा, स्टेट का रिलेशन, प्रीति टेकम गुड, 19 का ए बिल्कुल सही आंसर, देश का राष्ट्रपति तो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्यपाल डी आएगा, जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका गलत है, अंकित ए गलत, विकास विनायक दीपक आपने ए आंसर दिया है, प्रीति टेकम आपका आंसर गलत है, यदि यहां पर प्रधानमंत्री होता तो यहां मुख्यमंत्री आता, यदि प्रधानमंत्री होता तो आंसर मुख्यमंत्री आता, अब यदि राष्ट्रपति है तो राज्यपाल आएगा, राज्यपाल आएगा, इज इट क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की अपन बात कर रहे हैं, 20 की, डॉक्टर, अब डॉक्टर का रिलेशन किससे है बेटा, यहां पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर का रिलेशन पेशेंट से है, एडवोकेट वकील इसका रिलेशन किससे होगा, फायर करें बी, बिल्कुल क्लाइंट, इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्लाइंट, मुख्य वकील, क्लियर, क्या होगा, क्लाइंट,
यदि आपने क्लाइंट आंसर दिया इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। डॉक्टर के पास कौन जाता है? पेशेंट। एडवोकेट के पास कौन जाता है? क्लाइंट ही जाएंगे, जिसको लॉ है। बी इज लॉक्ड, गुड। अगला क्वेश्चन 21। लॉइन का संबंध केव से है, गुफा, मांद। तो घोड़ा, शेर कहां रहता है? मांद में रहता है, मांद में। घोड़ा कहां रहेगा? घोड़ा मन्नू कुमार, सुमित, शुभांकर। कहां पे आएगा बेटा? स्टेबल, गुड। घोड़ा जहां बांधा जाता है, रखा जाता है, डेट इज कॉल्ड स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ग्रेन, ग्रेन का रिलेशन किससे बेटा? गोडाउन। अनाज को कहां स्टोर किया जाता है? गोडाउन के अंदर। पानी को कहां स्टोर किया जाएगा? डैम, डैम, ठीक, डैम, गुड। शुभांकर का सबसे जल्दी आंसर। देखते कितने स्टूडेंट सही करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट में ना। क्वेश्चन नंबर 23। माउंटेन, काफी अच्छा, हिल। माउंटेन का रिलेशन हिल से, पर्वत, पहाड़ी, पर्वत, पहाड़ी। बड़े हैं पर्वत, छोटे हैं पहाड़ी, पहाड़ी। बड़ा है वृक्ष, छोटे हैं झाड़ी, श्रब भी बोल सकते हैं, झाड़ी। इसका आंसर बी होगा, बी। अब रघुवानी ने छोटा दिया जंगल, भाई जंगल क्यों करें? पर्वतों का समूह पहाड़ी को ही कहलाता है, छोटी चीज पहाड़ी कहलाता है। अब देखो कितने जंगल को देखते ही फॉरेस्ट याद आता है, जंगल को देखते ही फॉरेस्ट याद आता है, पर फॉरेस्ट इज रॉन्ग आंसर, सबका गलत, गलत हो गए ना। तो वही आंसर देना है, वह ढंग से देना है, लॉजिकों को ध्यान रखना, प्रेजेंस को ध्यान रखना। 24। डाइट, डी आई ई टी, मैन। फ्यूल, फ्यूल, फ्यूल की अपन बात कर रहे हैं, फ्यूल। आहार, आदमी, आदमी क्या खाता है अपनी आजीविका के लिए? आहार। ईंधन से क्या निकलेगी? गर्मी, हीट, हीट। फ्यूल, फ्यूल, गर्मी के लिए ईंधन चाहिए, गर्म करने के लिए, नहीं, फायर, फायर, आग के लिए, के लिए। सी, एनामिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा? एनामिया, अराजकता। खून की कमी होती है तो क्या होती है? अराजकता होती है। खून की कमी होती है तो क्या होता है बेटा? अराजकता होती है। रक्त की कमी होती है, एनीमिया बीमारी होती है, ब्लड की कमी। तो अराजकता कब होती है? जल्दी बताओ भाई। सुमित कामले ने ए ऑप्शंस दिया। क्वेश्चन की नंबरिंग के साथ आंसर दें, ज्यादा बेटर लगेगा। एरा देता, शासन की कमी हो, शासन, गवर्नमेंट, ए, गवर्नमेंट, शासन की कमी से। यदि शासन की कमी हो, अराजकता फैल जाएगी, सब अपने अपने रूल्स बनाएंगे, अपने अपने डिसीजन चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26। चेयर का रिलेशन फ्रॉक से है, फ्रॉक।
सॉरी चेयर का रिलेशन फर्नीचर से, फर्नीचर से। तो चेयर कुर्सी किस क्लास में आती है? फर्नीचर। तो फोर किस क्लास में आएगा वो अपन को पहचानना है। कुर्सी का रिलेशन फर्नीचर से है, तो फोर का रिलेशन किससे होगा? फोर क्रॉकरी, भोजन, चम्मच, कटलरी, कटलरी, कटलरी। क्या आंसर आएगा? बी, कटलरी। आगे की अपन बात करें 26 के बाद 27। कंट्री, कंट्री। अब कंट्री की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर, देश, देश का क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो स्टेट का क्या होगा? अब बताइए प्रीति खेतम, अब आपका आंसर सही होगा। राष्ट्रपति का संबंध तो राज्यपाल वाला आएगा, और मुख्यमंत्री का रिलेशन प्रधानमंत्री वाला है। तो 27 का आंसर डी, बिल्कुल सीएम होगा, सीएम, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। आंसर विल बी सीएम, आंसर विल बी 20। थर्मामीटर का संबंध टेम्परेचर से, थर्मोमीटर का संबंध टेम्परेचर से, टेम्परेचर। तापमापी थर्मामीटर क्या नापता है? तापमान। तो बैरोमीटर क्या नापेगा? प्रेशर, प्रेशर बोले तो दाब, दाब। ए क्या आएगा? 29। तो ये अपन ने करा दिए थे, यस सनो। यस, हाँ कारपेंटर, अब एनालॉजी यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक है कुछ, उसको अपन को बताना है। इस क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं। अब कारपेंटर ऑलमोस्ट हुई अक्सर, फर्स्ट फोर लेटर्स, लास्ट फोर है, लास्ट फोर लेटर को रिवर्ट लिखा, फर्स्ट फोर को रिवर्ट लिखा और माइनस वन किया। उसी तरीके से आर से यहां पे कौन आएगा? क्यों? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से देखेंगे, ई एन ए सी, ए जी यू एस, तो आंसर क्या होगा? डी। नाइन लेटर्स है, फर्स्ट फोर को लास्ट में ले गए, रिवर्ट लिखा, लास्ट फोर को रिवर्ट लिखा शुरू में और बीच वाले को माइनस किया, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इस कैटेगरी को, पैटर्न को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्या आंसर होगा? आपको एक पैटर्न दिया गया है 344, 513, 344 और
513, ये 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, ये 8 का क्यूब प्लस 1, तो क्यूब प्लस 1 देखना है, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब बिल्कुल सही, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब माइनस 1 है, ये भी नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन ए। तो ये कुछ अपने एनालॉजी के क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक रेलवे की तैयारी, एएलपी की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया तो लग जाओ, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। यदि आपने राइट टाइम पे, सही टाइम पे अपने प्रिपरेशंस की तो सही मौका होगा रिवीजन क्लास करने का, इसलिए क्लियर। तो यहाँ अपने एएलपी के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड से डिफरेंट डिफरेंट बैचेज चल रहे हैं, और सीबीटी 1 सबका कॉमन है। कुछ ट्रेड ऐसी होंगी जिसका टेक्निकल यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट सीबीटी 1 तो सबका कॉमन है, तो वहां पर सेपरेट सीबीटी 1 का भी पूरा बैच आप पे अवेलेबल है। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम टॉपिक के साथ इन्फोट्रेड ऐप के ऊपर। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक परचेज नहीं किया कोर्स, परचेज कर सकते हैं सही समय पर। थैंक यू।